नमस्कार साथियों, अपडेट सबसे पहले चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, यूपी बोर्ड के रिजल्ट का इंतजार करें लाखों छात्र, आज के दिन का बहुत ही बेसब्री से उन्होंने इंतजार किया है। आज जैसा कि साथियों बता दूं, 15 जून है और इस दिन का छात्रों ने काफी बेसब्री से इंतजार किया है और लगातार सरकार की तरफ से तारीख पर तारीख का खेल किया जा रहा था अभी तक। आज की क्या अपडेट है साथियों, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कितने बजे आएगा, इसको लेकर छात्र काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। एक्साइटेड होने वाली बात भी है साथियों, क्योंकि साल भर की मेहनत होती है, इसी रिजल्ट के माध्यम से हम अपना मूल्यांकन कर पाते हैं कि हमने जो पढ़ाई की थी क्या उस बेस पे हमें नंबर मिला है या नहीं। तो चलिए साथियों, आज की क्या अपडेट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों, और इस वीडियो को साथियों अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए साथियों, हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, 15 जून तक रिजल्ट जारी करने की बात अभी तक लगातार चर्चा में बनी थी। अब यहाँ पे कल रात तक जैसा कि मैंने वेट किया कि योगी जी कुछ बड़ी अपडेट देंगे कि 15 को रिजल्ट आएगा या नहीं, तो इसको लेकर क्या अपडेट मिली आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो साथियों, जैसा कि मैंने कल रात 9 बजे तक वेट किया, 10 बजे तक वेट किया, लेकिन लास्ट अपडेट 9 बजे तक थी रिजल्ट को लेकर। यहाँ पे जैसा कि बताया गया है साथियों, यूपी बोर्ड के रिजल्ट अब आपकी डेट बढ़ा दी गई। यहाँ पे छात्रों को बहुत गुस्सा भी आया होगा, मैं समझ सकता हूँ, तारीख पर तारीख, इतनी ज़्यादा तारीख कि छात्र तनाव में आ जा रहे हैं। अब 15 से 18 के बीच में बताई जा रही साथियों, 15 तो जैसा कि आज बीत जाएगी, 16, 17, 18 इन 3 दिनों में साथियों आपका रिजल्ट 110% आपका रिजल्ट आ जाना है। और आप लोगों को साथियों करना क्या है, स्ट्रेस नहीं लेना है, जरा सा भी स्ट्रेस नहीं लेना है, रिजल्ट है आएगा जरूर, आपकी बात है, आपके भविष्य की बात है। सरकार थोड़ा सा देरी कर रही है, इस बात को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सरकार को इस पे जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। कई राज्यों के रिजल्ट जैसा कि जारी किए जा चुके हैं, तो यूपी बोर्ड का भी रिजल्ट अब जारी कर दिया जाना चाहिए। तो चलिए साथियों, जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए। हम जल्दी मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। जय हिंद।